यार ये ना व्लॉग जो है एकदम रैंडमली मैंने प्लान कर लिया बनाने का, वैसे कोई मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि हमारे यूजली जो व्लॉग्स होते हैं वो व्लॉग्स हमारे ट्रैवल को लेके होते हैं, वो व्लॉग्स हमारे ऑफ रोडिंग को लेके होते हैं, लेकिन ये वाला जो व्लॉग है ये एक रैंडमली मैंने बना लिया। आज बहुत दिनों के बाद यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और बहुत दिन मतलब दो हफ्ते के बाद लगभग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो यार जाने का मन नहीं करता वैसे ऑफिस, ऐसा नहीं कि काम की वजह से, लेकिन जो ट्रैफिक होता है ना यार दिल्ली से गुड़गांव, मेरा ऑफिस गुड़गांव में, तो दिल्ली से जो गुड़गांव का जो ट्रैफिक होता है ना यार वो खून चूसने वाला ट्रैफिक होता है। पता नहीं ये भी बात समझ नहीं आती कि ये ट्रैफिक है तो ये क्यों है ये ट्रैफिक, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो ये क्यों है, कोई स्पॉट समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बेइंतहा ट्रैफिक होता है और बेवजह से भी ट्रैफिक होता है। तो आज मैंने सोचा यार उसी के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर बनाता हूँ व्लॉग, और गडकरी जी, केजरीवाल जी या जो भी इन चीज़ों को हैंडल करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यार आप इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ हाईवे है वहाँ हाईवे है, तो एक दिल्ली गुड़गांव का जो स्ट्रेच है इसमें जो ट्रैफिक होता है यार, इस ट्रैफिक से किसी तरह से निजात दिला दो भाई, रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, निजात दिला दो, कसम से कह रहा हूँ दिल्ली का पॉल्यूशन कुछ नहीं तो 10-20% कम वैसे ही हो जाएगा यार, जिस हिसाब से ट्रैफिक इस एरिया में होता है उसका ही स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि बाकी जगह पे जरूर जाता होगा, और एटलीस्ट नहीं तो गुड़गांव में या रजोकरी के आसपास ये इतना बुरा हाल होता होगा यार। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैफिक कितना, वैसे भी मुझे 20-25 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं धौला कुआं से, और बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था यार, बहुत गंदा ट्रैफिक था लिटरली यार। ये देखो यार मैं आपको ट्रैफिक यहाँ से दिखाता हूँ, और ये सिर्फ दिल्ली से गुड़गांव जाने की कहानी नहीं है, ये गुड़गांव से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं ना ये उनकी भी कहानी है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको दोनों तरफ बहुत बुरा ट्रैफिक आपको दिखाई देगा दोनों तरफ, और ये सुबह का टाइम है, शाम के टाइम तो भाई कलेश मचता है कलेश, इतना गंदा ट्रैफिक होता है ना शाम को, इतना गंदा ट्रैफिक होता है, और स्पेशली जो हमारा रजोकरी का जो सरहोल टोल है वो 32 लेन का टोल जो था बनाया गया था, वो 32 की जगह मेरे ख्याल में यहाँ पे एक तरफ ही कुछ नहीं तो 34 लाइन तो एक ही तरफ बनती होंगी यार, 34 लेन, बहुत बुरा हाल होता है ट्रैफिक का। तो अभी तो ये शुक्र है कि सुबह के टाइम पे मूविंग ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा बुरा हाल फील नहीं हो रहा है, मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेच 3 मिनट का होता है उस स्ट्रेच को क्रॉस करने में कम से कम मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, ये बुरा हाल होता है। मेरी कहानी नहीं है ये, जितने भी दिल्ली से गुड़गांव कम्यूट कर रहे हैं ये उन सब की कहानी है, चाहे वो ऑफिस की कैब से कम्यूट करते हैं, चाहे वो आपकी चार्टर्ड बस होती है उनसे कम्यूट करते हैं, और चाहे वो अपनी पर्सनल गाड़ी से कम्यूट करते हैं, ये सबके साथ यही हाल होता है, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल, मतलब आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, समझ मैं कैसे समझाऊं कि खून चूस ले जाता है, सिर्फ गाड़ी का ही नहीं, पेट्रोल चूस नहीं चूसता है, सिर्फ हमारे शरीर का भी खून चूस ले जाता है, और फिर ऊपर से रोड रेज की कहानियां हो जाती हैं। मैं आपको यार होंडा की जो नई गाड़ी आई है एलिवेट, आज पहली बार मैंने उसको रोड पे देखा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मेरे पीछे ही चल रही है, देखने में तो बहुत बल्कि लग रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, मैंने इसको नज़दीक से देखा नहीं है, बट इट्स अ गुड कार। चलो इतना तो शुक्र है यार कि दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जो है थोड़ा सा ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन जो गुड़गांव से दिल्ली है भाई वो तो जैम पैक पड़ा हुआ है। मैं इस व्लॉग को ना आपको दो पार्ट में इसको शूट करूंगा और क्लब कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं जैसे सुबह मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मैं आपको सुबह का हाल दिखा रहा हूं ट्रैफिक का, इसी तरह जब मैं शाम को ऑफिस से घर की तरफ लौटूंगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना बुरा हाल होता है, जो दिल्ली गुड़गांव वाले लोग हैं जो कम्यूट करते हैं, जो इसको इस ट्रैफिक जाम को भुगतते हैं, वो लोग तो इन भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको भी दिखाया जाए कि भाई कितना बुरा हाल होता है। ये जो गुरु जाम होता है, वो गुरु जाम जो होता है वो सिर्फ बरसात में नहीं होता, वो यूजुअली रैंडमली कभी भी जो हो जाता है, किसी दिन आपने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे उस दिन आपको ट्रैफिक दोनों तरफ नहीं मिलेगा, लेकिन 99% आपको ये ट्रैफिक मिलता ही मिलता है दोनों तरफ, बहुत बुरा, बहुत बुरा। वैसे यार अच्छा ट्रैफिक कौन सा होता है, जो मूविंग ट्रैफिक होता है वही अच्छा ट्रैफिक होता है, लेकिन अगर जो स्टिल हो जाए वो बुरा ही ट्रैफिक होता है यार, वो बुरा, बहुत बुरा, जो मर्जी बोलो वो बुरा ही ट्रैफिक होता है। अब देखो ये दूसरी तरफ भी जो है गाड़ियां बिल्कुल रुकी हुई है, अब मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगा रजोकरी फ्लाईओवर पे, अभी तो मेरे यहाँ गाड़ियां चल रही हैं आगे, लेकिन रजोकरी फ्लाईओवर ही पूरा जाम पैक पड़ा हुआ है, वो भी सुबह के टाइम पे। आपको पता नहीं इसमें कितना दिख पा रहा है कितना नहीं दिख पा रहा है, लेकिन रजोकरी फ्लाईओवर ही पूरा जाम पैक पड़ा हुआ है, पता नहीं किस बात का जाम है। और ये आज तक कहानी समझ में नहीं आई कि अगर ट्रैफिक जाम है कोई गाड़ी खराब हुई है, चलो समझ में आता है, और गाड़ी भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, छोटी गाड़ी से तो कोई इतना ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए,
कोई गाड़ी खराब हुई है या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या पुलिस चेकिंग कर रही हो, तब तो समझ में नहीं आता यार ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन अननेसेसरीली बिना बात के खामखा ट्रैफिक लगा हुआ है वो समझ में नहीं आता यार। मैं यार रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से, जो भी हमारे देखने वाले हैं चैनल को आते हैं, बहुत लोग अच्छा देख रहे हैं यार, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर किए जाएं। 350 हो चुके हैं, मेरा टारगेट लेके चल रहे हैं, मैं और राम अगर बोले तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि यार 1000 हम लोग अक्टूबर में कंप्लीट कर लें। उससे हमें भी थोड़ा सा ना इंकरेजमेंट मिलता है यार अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए। अभी पाइपलाइन में है हमारे पास कुछ कंटेंट अच्छे खासे, तो देखते हैं कि उनमें हम कितना अमल कर पाते हैं। लेकिन खैर हमारे आप सपोर्ट करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो हमारा मन है यार ब्लॉगिंग करने का, तो हम ब्लॉगिंग तो हम कंटिन्यू करेंगे करेंगे, जो हमारे प्लान्स हैं उनको तो हम एग्जीक्यूट डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी यार एक रिक्वेस्ट बनती है ना कि यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, प्लीज आप वैसे कमेंट ना करें। हम कोई रेसिज्म वाले कमेंट नहीं चाहते हैं, ना हम करते हैं, चाहे वो किसी विमेन को लेके हो, चाहे वो किसी रिलीजन को लेके हो। रिक्वेस्ट करता हूँ यार ऐसे कमेंट आप प्लीज आप लोग ना करें, हम नॉर्मल यार अपनी जो हम एंजॉय करते हैं आप लोग को उस चीज के रूबरू कराने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं है। ओके गाइस, तो शुरू होता है सेकंड पार्ट इस व्लॉग का। तो सुबह मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग दिल्ली से गुड़गांव आ रहे थे और हमें कितना ट्रैफिक मिला था। रिलेटिवली आज कम ट्रैफिक था क्योंकि मुझे कोई उस स्ट्रेच को क्रॉस करने में 25 मिनट लगे थे जहाँ पे 45 मिनट लग जाते हैं, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ गुड़गांव से दिल्ली की तरफ और पहुँच चुका हूँ सरहोल टोल के पास। अब टोल तो नहीं रह गया लेकिन फिर भी वो स्ट्रेच तो अभी वैसे का वैसे ही है। अब इसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है यार, ये किस बात का जाम होता है मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा। आगे एकदम खाली चलेगा, जैसा मैं सुबह बता रहा था, ना तो कोई गाड़ी ख़राब है, ना कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ना पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, तो खामखा का जाम है, किस बात का जाम है पता नहीं। और मैं आपको दिखाऊं दूसरी तरफ क्या है ट्रैफिक के हाल, उससे पहले मैंने जो सुबह एक बात को छोड़ा था मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूं। मेरे पास यह ना कुछ वाहियात से कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया अपना आप ये रिलीजन आप एक्सेप्ट कर लो, ये लोग ये नहीं खरीदते तो आप क्यों खरीद रहे हो। भाई देखो, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरे जो परवरिश हुई है मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ और मुझे उस हिसाब से काम करने दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भैया मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, ऐसे वाहियात कमेंट करने की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे कमेंट्स का रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं मैं उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये फ़न के लिए चैनल बनाया है, हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं भाई। मैं आज से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं 32 साल से अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, अकेले भी ट्रैवल किया है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक YouTube चैनल बनाऊंगा, अगर चैनल मैंने बनाया होता तो शायद आज मैं बहुत कामयाब होता। लेकिन ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आप कैसे भी कमेंट्स आप कर सकते हैं इस पर। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जितने भी हैं वो बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कमेंट्स कर रहे हैं वो मुझे पता है वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। खैर ये तो हुई ये बात, और दूसरी यार फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज़ हमारा टारगेट है अक्टूबर के महीने में हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पार करें। मैं दूसरी बार इस व्लॉग पे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें। हमारे प्लान्स हैं कि हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएं, ऑलरेडी हमारे 2-3 प्लान पाइपलाइन में हैं जो हम अक्टूबर के महीने में इनको एग्जीक्यूट करेंगे, और आप अक्टूबर के महीने में उन वीडियोज़ को उन व्लॉग्स को आप देखेंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ यार, वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्लो बोलने की, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। चलो दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी तरफ क्या है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, शायद आपको इस चीज़ को खुद से समझना होगा कि कितना बुरा ट्रैफिक है, इस गाड़ी किस हिसाब से चल रही है। तो जैसा बता रहा था यार, ये ट्रैफिक किस लिए होता है मुझे नहीं समझ में आज तक आया। तो यार इस ट्रैफिक से ना निजात पाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारे फायदे हैं, अपने आप से बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भैया एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास या कोई भी बंदा हो जो कम्यूट करता है, चाहे वो बाइक पर हो चाहे वो कार पर हो, उसका पेट्रोल बचेगा, उसकी कुछ सेविंग्स होंगी। दूसरा अच्छा फायदा ये है कि भैया उसका टाइम भी बचेगा। हम कहते हैं टाइम इज़ मनी, चलो पैसा बहुत नहीं बच रहा है लेकिन टाइम तो बचेगा, बंदा अपने घर पे जाके अपने परिवार के साथ टाइम तो बिता पाएगा अच्छे से। और तीसरा है कि भाई एनवायरनमेंट को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है यार, एनवायरनमेंट पे तो जब इतना ट्रैफिक नहीं लगेगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, खामखा डीजल पेट्रोल नहीं जलेगा, CNG नहीं जलेगी, उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को फ़ायदा मिलने वाला है। आज फिर से मैं वही बात बोलता हूँ जो सुबह बोली थी, लगता है कि रिलेटिवली आज थोड़ा कम ट्रैफिक है, वरना इस स्पीड में और इस फ्लाईओवर पे ऐसी गाड़ी चल जाए भाई साहब
पता नहीं कौन से दिन होते हैं, वो 26 जनवरी 2 अक्टूबर वाले ही दिन होते हैं सही में, वरना ऐसे तो गाड़ी चलती ही नहीं है, एकदम रेंग रेंग के चलती है, पहला दूसरा गियर ही मूव करना पड़ता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार कि अगर ट्रैफिक नहीं है, ये भी अच्छी बात है, अगर ट्रैफिक होता तो शायद आप लोगों को और देखने को मिल जाता, लेकिन फिर भी जो दिल्ली से गुड़गांव रोड कम्यूट करते हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो तो मेरी भावनाओं को मेरी फीलिंग्स को मैं फिर से कह रहा हूँ वो समझ पाते होंगे, वो जैसा ट्रैफिक झेलते हैं। मुझे मेरे घर की जर्नी में 2.5 घंटे लग जाते हैं, इसमें से मेरे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट मुझे आप ये लगा लीजिए 45 से 1 मिनट से लेके 1 घंटा मुझे गुड़गांव टोल से लेके और एयरपोर्ट का जो कट है महिपालपुर फ्लाईओवर पे वहाँ तक मुझे 1 घंटा लग जाता है, जो कि हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो आप सोच सकते हो कितना स्लो ट्रैफिक चलता है, और लो जी मेरे बोलते ही ट्रैफिक यहाँ पे फिर स्लो हो गया। अब मैं आपको फ्लाईओवर के ऊपर आ चुका हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आगे कितना ट्रैफिक है। अगेन जो एक हर यूट्यूबर कहता है कि भाई कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा, तो अगेन कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा यार कि कितना ट्रैफिक है, लेकिन शायद लाल लाइट्स को देख के आपको कुछ समझ में आए। ये देखो यार पूरा का पूरा ट्रैफिक है, ट्रैफिक अच्छे से कलेश है यार, ये जिंदगी के अंदर कलेश हो जाता है इसका, आदमी ना काम करके इतना नहीं थकता जितना कि इस ट्रैफिक जाम के अंदर थक जाता है। चलो यार इससे ज्यादा तो क्या दिखाऊंगा मैं, अब इतना ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को देख के भी और मेरी इतनी बकैदी सुन के भी आप क्या करोगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं, ये मैं नहीं कह सकता कि भाई ये वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन एटलीस्ट ये बोल सकता हूं कि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव तो लगा होगा, आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे इससे कि हाँ भाई सिर्फ हम ही नहीं है और लोग भी हैं इस दर्द को झेलने वाले। तो अगर अच्छा लगा तो यार गिव इट द थम्स अप, और प्लीज़ रिक्वेस्ट अगेन कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स अच्छे करें प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ अच्छे कमेंट्स करें, वाहियात कमेंट्स ना करें, कोई रेसिज्म, कोई रिलीजन या किसी किसी को चोट पहुँचे ऐसे कमेंट्स ना करें, क्योंकि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं चीज़ें, एक हद तक हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ दोनों में लागू होती है, ये फालतू के कमेंट्स में भी और ये इस वाहियात ट्रैफिक में भी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।